अस्सलाम वालेकुम। ये मेरे पापा हैं और ये सकीना भी। प्लीज अम्मी कुछ बताएं तो सही, वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। अम्मी प्लीज। अब्बा आखिर हुआ क्या है, कुछ पता तो चले। आंटी इस तरह चली गई है बगैर बताए आप। सकीना भी आप ही पूछे ना अब्बा से। तुम उस लड़की से शादी नहीं कर सकते। मुझे यकीन नहीं आ रहा अब्बा। आप इनकार कर सकते हैं? जिन्हें मेरी खुशियां सबसे ज्यादा प्यारी थी, जिनके लिए आपने अलीना को बुला दिया, और आज आप इनकार कर रहे हैं? हाँ हाँ मैं कर रहा हूं मना। यही अंजाम है। बड़े दावे से गए थे ना मैं जहां दिन तारीख रखने के लिए, फिर ये अचानक क्या हो गया? जाओ रज्जो, पूरी तरह से पता करो कि आखिर हुआ क्या है। हमें कोई अलग नहीं कर सकता और आंटी को हमारी बात का जवाब देना ही होगा। तुम्हारे हर सवाल का जवाब है मेरे पास। तुम्हारी शादी एनी से नहीं हो सकती। के हुआ क्या है? अरे आग लग गई है, नजरें खा गई है मेरे उमेर की खुशियों को, और क्या बताऊं क्या सबब बना। सकीना भी जाके जहरा बेगम से कह दो खुशियां मनाए, ये खुशखबरी सुना दो उन्हें, मेरे उमेर को खुशियां खा गई है। उमेर बोलो क्या है? फूल लाई हूँ तुम्हारे लिए। किस खुशी में? अरे तुम्हें जरूरत होगी ना अपनी मोहब्बत की कब्र को सजाने के लिए, अपने आरजुओं के जनाजे पर डालने के लिए। लो लो समझा, कितनी घटिया हो तुम और तुम्हारी सोच। Shut up! इसी तरह तड़पोगे तुम, जलोगे। याद रखना तुम्हें कहीं सकून नहीं मिलेगा। तुम्हारी मोहब्बत का मजार जरूर बनेगा और तुम अपने हाथों से और बड़े फूल डालोगे। उमेर ये क्या किया तुमने? उमेर पागल हो गए हो क्या? अलीना प्लीज मुझे इस वक्त अकेला छोड़ दो। क्या समझते क्या हो तुम, ये सब जो तुमने किया इसके बाद मुझे इस घर में जगह मिल सकेगी? प्लीज अकेला छोड़ दो मुझे, जाओ यहां से तुम। नहीं, अब तुम मुझे छोड़ के आओगे या पापा? अलीना पापा पापा बाहर आए, देखें जो आशियाना मैंने अपने पर जलाकर बनाया था, आज मेरे इस भाई ने उसके तिनके कर दिए, उछाड़ दिया सब कुछ। पापा को परेशान मत करो बेटा, मुझे बताओ क्या बात है। सकीना भी प्लीज छोड़ दे, आप छोड़ दे। पापा बाहर आए पापा, पागल हो गया मैं, थप्पड़ मारा मुझे, और मौलीना वो पहले से वहां पर मौजूद थी। सो मैंने तो हद कर दी है पागलपन की। तुम्हें जरूरत क्या थी वहां जाने की? क्यों ना जाऊं, मैं तो जी ही उसकी बर्बादी का तमाशा देखने के लिए रही हूँ। मैंने अपने आप को आपसे अलग कर लिया था, बदनामी के तीर उठाए थे सिर्फ इसलिए कि मेरा घर बसा, लेकिन आज मेरे इस खुदगर्ज भाई ने मेरे घर को आग लगा दी, उजाड़ दिया सब कुछ। कलीना प्लीज बंद करो अब तुम लोग ये गिले शिकवे और मुझे अकेला छोड़ दो। आखिर कब तक आप छुपे रहेंगे? आपको जवाब देना ही होगा। नहीं नहीं पापा, पहले आप इससे पूछें
किस हक से इसने समरा को थप्पड़ मारा? लगता क्या है समरा का ये? क्या रिश्ता है, क्या वास्ता है? क्या महर, तुमने हाथ उठाया समरा पे? हाँ हाँ, मैंने हाथ उठाया उस पर। मेरी खुशियों की जो कब्र आप बना आए थे, समरा उस पर फूल डालने आई थी, मैंने उठाया उस पर हाथ। गुस्ताख, इतना दीवाना हो गया तू कि तूने तहजीब, तालीम, मेरी तरबियत सब पे खाक डाल दी? क्यों क्यों हाथ उठाया तुमने समरा पे? तुम क्यों अपनी इस बहन को बसने नहीं देते? क्यों इसका घर बर्बाद करने में तुले हुए हो? पापा, आप चाहे मेरी जान ले लें, लेकिन आपको मेरी बात का जवाब देना ही होगा। आपको बताना ही होगा कि आपकी खामोशी के पीछे मेरे लिए कौन सा तूफान छुपा है। शट अप। खबरदार जो आप इस बारे में कोई सवाल किया तो। मुझे तो बताएं पापा कि अब मैं अपने घर कैसे जाऊं, कैसे बचाऊं मैं अपने घर को, कैसे जाऊं? समरा से, समरा की मां से हाथ जोड़ दूंगा, पांव पकड़ लूंगा, लेकिन तुम्हारा घर नहीं उजड़ दे दूंगा। बेटा, मैं चलता हूं तुम्हारे साथ। अब सजा सिर्फ अली, इनसे कहो कि इन्हें यहां कदम रखने की इजाजत नहीं है। समरा, बेटा, उमर के जुर्म की माफी मांगने में खुद आया हूं, उसे कि तुम मुझे माफ कर दो बेटा। मामू, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? हाँ, लेकिन उमर ने भी हद कर दिया। उमेर हदें पलांग गया, इसलिए तो मुजरिम बन के खड़ा हो तुम लोगों के सामने। जो चाहो सजा दे लो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। सम्राटा, हो सके तो माफ कर दो मुझे। अली, अलीना, उमेर की इस हरकत की वजह से घर आते हुए डर रही थी। समझ लो, माफी मांग के इसकी सिफारिश बन के आया हूं मैं। कितना अच्छा ड्रामा कर लेते हो वजाहत। बेटे का कसूर नाकाबिले माफी देखा तो हाथ बांध कर खड़े हो गए। हाथ जोड़ जोड़ कर बेटी का घर आबाद कर लिया और थप्पड़ मेरी बेटी का नसीब बना दिए। तमाम जिंदगी तुम्हारी गलतियों की सजा मुझे मिलती रही और तुम उस मनहूस औरत की यादों में खोए सपने देखते रहे, मेरी नींदें छिन गई। लेकिन अब सजा आज सिर्फ मेरी बेटी का नसीब नहीं बनेगी। एहसास तो जरूर हुआ होगा औलाद को मिलने वाली चोट का, कलेजा तो जरूर खींचा होगा तुम्हारा। अपने कमरे में जाओ अलीना। जाओ बेटा, सौदा मैं कर लेंगे।
बोला तुम्हें मैंने, खामोश हो जाओ, लेकिन न तुम्हें बाप का ख्याल है और न अलीना को। किस कदर जलील किया होगा जहरा बेगम ने बजात मियां को। अरे तुम्हें क्या जरूरत थी उस लड़की को थप्पड़ मारने की, शर्म नहीं आई तुम्हें? पापा ने मेरी जिंदगी को खेल समझ लिया है। कभी खुद खेलते हैं और कभी दूसरों को खेलने का मौका देते हैं। कितनी उम्मीदों के साथ मुझे अपने साथ लेकर गए थे और ऐसे ऐसे ही सर झुका है वापस चले आए। और क्या करते हो बताओ, क्या करते? यही तो मैं जानना चाहता हूं कि आखिर बात क्या है। सौदा महंगा नहीं हुआ सकेला भी, सौदा महंगा नहीं हुआ। नाश्ता टेबल पे रख दिया है, दिल चाहे तो कर लेना। आंख भर आसमान, आंख भर आसमान, मेरे हिस्से का सपनों एक जहां है कहां। आंख भर आसमां, आंख भर आसमां, जो कहीं घर पे है या? नहीं बजात मियां, वो सुबह से गया हुआ, मुझे कुछ बताकर भी नहीं गया। वैसे बजात मियां, आपको कम से कम ताहरा को फोन करना चाहिए, यूं मुझ छुपा कर बैठे रहने से मसाइल हल नहीं होंगे। कोशिश तो की थी मैंने, लेकिन अब बीवी है वो आपकी, आपको बात करनी चाहिए। जी, जी। वैसे ताहरा को भी अब अपनी बेटी को सब कुछ साफ साफ बता देना चाहिए। एक्चुअली ताहरा डरती है, ऐनी ही उसकी जिंदगी का हासिल है, उसी को अपना सरमाया हयात समझती है। उसे खौफ है कि कहीं अगर उसने ऐनी को बता दिया और उसे नाराज हो गई तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। बेटी को भी माँ का साथ देना चाहिए, शादी किए कोई गुनाह तो नहीं किया, और वैसे भी बेटी की माँ होना इतना जुर्म तो नहीं है ना। हाँ करें क्या? तुम दफ्तर चले जाओ,
तारे ने गाड़ी भिजवा दी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ऑफिस चली गई। इसका मतलब है ताहिरा आपसे नाराज है? हाँ, हो सकता है। मैं जाके देखता हूं। नहीं, दुनिया वाले तो चाहते हैं कि हम अलग हो जाएं, लेकिन तुम्हें मेरा साथ देना होगा।